नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2019 की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आप में से बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 5000 से प्लस पद आए हैं इस भर्ती के लिए और ऑल इंडिया वैकेंसी है। किसी भी राज्य का छात्र इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, 15 सितंबर से इस भर्ती के फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसा कि इस भर्ती के बारे में बताया गया है कि इसकी परीक्षा आपकी नवंबर के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगी, तो इसके लिए आपको ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। 60 या 70 दिन के अंदर आप लोगों की परीक्षा करवा दी जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार आदेश दिया था कि हर साल यूपी पुलिस में दरोगा की भर्ती होनी चाहिए, जो कि इस साल नहीं हुई है। तो इस साल के अंत तक ये भर्ती इन लोगों को करनी ही करनी है। तो इसका पेपर बिल्कुल लेट नहीं होगा, नवंबर के लास्ट तक इसकी परीक्षा आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, तैयारी शुरू कर दीजिए अच्छे से। और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। बीए, बीएससी, बीसीए, आपके पास जो भी डिप्लोमा है, डिग्री है, वो आप इसमें लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, रिजल्ट आपका लास्ट ईयर का आ चुका हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनकी उम्र 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र हैं, उन्हें इसमें 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो उनकी उम्र 21 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हाइट पे। तो जनरल के जो कैंडिडेट हैं और ओबीसी, एससी के, उनके लिए इसमें हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर। वहीं एसटी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें उम्र रखी गई है 160 सेंटीमीटर। फीमेल की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी की फ़ीमेल के लिए जो उम्र, जो हाइट रखी गई है आपकी, वो है 152 सेंटीमीटर। और एसटी को इसमें जो विशेष छूट दी गई है उसके तहत इन लोगों की हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई हाइट की बात, अब देखते हैं रनिंग कितनी है इसमें। तो साथियों, इसके लिए दौड़ रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, और महिलाओं के लिए जो है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कंप्लीट करनी है। ये आराम से हो जाएगी, एक या डेढ़ महीने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे निकल जाएगी आराम से। और इसमें रनिंग के अलावा कोई भी फिजिकल नहीं होता है। तो आइए अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। इसका जो आपका एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सब्जेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला सब्जेक्ट जो है वो है जीके जीएस का। इसमें जीके जीएस और संबंधित पॉलिटी, करेंट, हिस्ट्री, मूल विधि, जिसमें आपकी आईपीसी की धाराएं आती हैं, ऐसे कम से कम 20 विषय इसमें आएंगे आपके जीएस के पोर्शन में। करेंट अफेयर्स भी होगा और एक पोर्शन के आपके होंगे इसमें 40 क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें दूसरा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा हिंदी, जिससे 40 क्वेश्चन आएंगे। और इस विषय की आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, 2 महीने का समय है, 2 महीने में मैं आपको पूरी हिंदी करवा दूंगा और 40 में से कम आपका 38 नंबर का पेपर फंसेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, 2 महीने में आपको पूरी हिंदी करवा दूंगा। जो भी इससे आएगा दरोगा के लिए एक स्पेशल बैच में, उसमें लेकर आऊँगा और स्पेशल हिंदी पढ़ाऊँगा आप लोगों के लिए दरोगा से रिलेटेड। तो हिंदी की आप लोग बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आगे आने वाली हैं हिंदी के लिए। तो आइए अब देखते हैं तीसरा सब्जेक्ट। तो तीसरा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। देखिए, दरोगा भर्ती में जो रीजनिंग आती है वो आपकी बैंक लेवल की आती है। इसमें कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पर आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के इसे पढ़िएगा। और अब देखते हैं अपना लास्ट सब्जेक्ट इसमें कौन सा आने वाला है।
तो फोर्थ और लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा इसमें है वो आएगा आपका मैथ, वो भी 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से चारों सब्जेक्ट आपके ये सामने रहे और चारों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार आपके 160 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, लेकिन एक पासिंग परसेंटेज इसमें दी गई हुई है, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो आप लोग देख रहे हैं 160 क्वेश्चन आपके बनते हैं जाके, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके इस पेपर का टोटल हो जाएगा 400 नंबर का, और इस परीक्षा में आपको 400 में से कम 200 नंबर लाने होंगे। 200 नंबर पासिंग मार्क रखा हुआ है, इतने नंबर पे आप पास हो जाएंगे और उसके बाद मेरिट लगेगी, वो कितनी भी जा सकती है, उस पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन कम से कम जो आपके न्यूनतम अंक हैं वो 200 अंक तो होने ही चाहिए। देखिए, इस परीक्षा में सब्जेक्ट वाइज पासिंग रखी गई है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में अलग अलग, आपको हर सब्जेक्ट में 35% तो सही करना ही करना है। इस प्रकार आपको 40 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में अलग अलग सही करने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। 40 में 14 हर सब्जेक्ट में सही होने चाहिए। तो दोस्तों, 160 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। एक प्रश्न के लिए पूरा एक मिनट भी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको 40 में से 14 प्रश्न सही करने ही पड़ेंगे, तभी आप पास होंगे। और टोटल 400 में से 200 नंबर आपको पासिंग मार्क लाना है, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी इसमें, वो कितनी भी जा सकती है। उसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। तो आइए और कुछ बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपका एक एग्ज़ाम होगा, वो ऑनलाइन होगा, और उसके बाद आपकी नाप तौल की जाएगी, आपकी हाइट नापी जाएगी, आपका वेट किया जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपका चेस्ट भी नापा जाएगा, महिलाओं को इसमें छूट होती है। और उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपका होगा वो रनिंग का होगा, रनिंग आपकी आराम से निकल जाएगी। आपको पूरी मेहनत करनी है आपके एग्ज़ाम की तैयारी पर, 60-70 दिन का समय है, अपने आप को झोंक दीजिए इस परीक्षा में। और 8 से 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन से। हिंदी की आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी की मैं बहुत अच्छी अच्छी क्लासें आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो अब यहाँ से शुरू कर दीजिए आप लोग अपनी तैयारी। और अगर आप लोग हिंदी की अच्छी अच्छी क्लासें मुझसे चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छी सी अच्छी क्लासें देता रहूँ, तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिख कर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद में घंटी बन के आ रही होगी, उसे दबा दीजिए, इससे मेरा हौसला बना रहे आप लोगों को अच्छी से अच्छी हिंदी की वीडियो देने का। देखिए, मैंने 3 साल मेहनत करके हिंदी के बहुत अच्छे नोट्स इकट्ठे किए हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है मेरे पास, लेकिन मैं वो आपको तभी दे सकता हूँ जब आप लोग इस चैनल को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करेंगे। मेरा हौसला बना रहेगा, मुझे कॉन्फिडेंस देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये आपको इसका समझ में आ गया होगा, 15 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।